Namaste friends, welcome to another session of Quick Fix Pro. Today we are going to talk about the brake system of a car. Especially I am covering today the front brake system of a car or any motor vehicle. तो सबसे पहले यार आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए. आपकी कोई भी हॉबी है, जो इंडोर हॉबी है, उसको यार डेवलप करिए. कार मेंटेनेंस हो गया, गिटार बजाना हो गया, कुछ भी जो आप घर पे कर सकते हैं. खाना बनाना सीखिए, लेट बी एनीथिंग यार. डोंट गो जस्ट आउटसाइड ऑफ योर होम. द ओनली सेफेस्ट प्लेस इन दिस अर्थ इज़ योर ओन होम. एटलीस्ट प्रोटेक्ट योर फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए कम से कम बाहर मत चाहिए. तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं. जैसा कि आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख रहे हैं, ये कार का ब्रेक सिस्टम है. तो आपको मैं समझाने वाला हूँ एक कार का ब्रेक जो है वो कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या मेंटेनेंस का ज़रूरत होता है. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो है हमारे चार व्हील्स हैं. चारों व्हील में आपको पता है ब्रेक जो है, आगे वाला डिस्क ब्रेक होता है, पीछे वाला ड्रम ब्रेक होता है, राइट. और ये जो देखेंगे हैंड ब्रेक का कनेक्शन है. ये दोनों वायर अलग से जाता है. ये मैकेनिकल ब्रेक होता है, इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम कोई काम नहीं करता है, राइट. तो सबसे पहला जो हमारा चीज़ है, जहाँ से ब्रेक हमारा शुरू होता है, वो है मास्टर सिलेंडर. मास्टर सिलेंडर जो है, जैसे ही ब्रेक बूस्टर उसके पीछे लगा होता है, जैसे उसको हम प्रेस करते हैं, तो ब्रेक फ्लूइड जो है हमारे चारों टायर को प्रोपोर्शनली जो है वो ट्रांसफ़र होता है. ब्रेक बूस्टर और मास्टर सिलेंडर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. उसके बाद में आप देखेंगे ये जो ब्रेक लाइंस हैं वो अलग अलग जा रहा है, ठीक है. मतलब चारों टायर के लिए अलग अलग ब्रेक लाइंस हैं. और एक चीज़ जो इसमें खास देखने वाली है वो ये है, जिसमें मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ये प्रोपोर्शनेट वॉल्व होता है. प्रोपोर्शनेट वॉल्व का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये क्या चीज़ होती है. मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होगा और किसी लोगों ने बताया भी नहीं होगा, राइट. देखो किसी भी प्रैक्टिकल से पहले यार थ्योरी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ. ये अभी डायग्राम फ्रंट ब्रेक का है. ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी डिस्क है, जिसको रोटर भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है. और ये इसके पीछे प्लेट लगा रहता है लोहे का, तो होल्डिंग असेंबली इसको बोल सकते हैं आप. ये जो आपका है ब्रेक कैलिपर, ये मेन चीज़ है आपकी जो फ्रंट डिस्क ब्रेक में लगाने के काम आती है. इसके अंदर ये लॉकिंग नट लगा रहता है. और उसके बाद में जो अगला पार्ट आप देखेंगे, ये है आपकी कैलिपर पिन. इसका सबसे मेन फंक्शन रहता है ब्रेक में, राइट. और ये आपके डिस्क पैड हो गए, ठीक है. उसके बाद में जो मेन चीज़ है वो है ये ब्रेक पिस्टन. पिस्टन जो है यहीं पे आपका ब्रेक फ्लूइड आके इसको प्रेशर देता है और ये आपको ब्रेक लगाने में मदद करता है. ये जो चीज़ है ये है आपका पैड होल्डिंग असेंबली. यहाँ पे आपके डिस्क पैड फिट होते हैं. ये नीचे और ऊपर दोनों जगह इसमें दो लोहे की पत्तियाँ लगी रहती हैं, जो इसको ब्रेक पैड को पकड़ने में काम करती हैं, राइट. ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है पीछे की ब्रेक का. पीछे की ब्रेक का रियर जो दोनों ब्रेक होती है, ड्रम ब्रेक का, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. ये उसका है डायग्राम. और ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये दोनों आपके जो लाइंस जा रही हैं वो उसका हैंड ब्रेक का है. तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. तो चलो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ गाड़ी के फ्रंट टायर पर. ऑलरेडी मैंने खोल के रखा है, तो अभी जो आपके सामने ये नज़ारा है वो है टायर खोलने के बाद में. ये आप देखेंगे ये आपकी ब्रेक डिस्क है. इसको चेक कैसे करना है, ख़राब है या नहीं है, इसमें आप टच करके देखेंगे ऊपर नीचे. अगर कहीं डीप स्क्रैचेस हैं, ठीक है, इसके बीच में अगर कहीं डीप स्क्रैचेस हैं, फील करके देखना है. पूरा रोटर पेपर, पूरा डिस्क पे फील करके देखना. अगर कहीं स्क्रैचेस हैं तो आप उसको पॉलिश कर सकते हैं, राइट. पर उसको इवनली पॉलिश करना पड़ता है. ये जिस पे अभी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये है आपका ब्रेक कैलिपर. इसी के अंदर में आपके दोनों डिस्क पैड लगे रहते हैं, राइट. जिसको ब्रेक पैड भी बोलते हैं कुछ लोग. और जो अभी ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये आपका ब्रेक लाइन है. यहाँ से ब्रेक फ्लूइड आता है इस पाइप के थ्रू में, और ये आगे होल्डिंग असेंबली है रबड़ के पाइप के थ्रू में आपका अंदर चला जाता है पिस्टन के पास में, उसको पुश करता है, राइट. और एक जो ये आप टोपी से देख रहे हैं, ठीक है, काले से रंग की, ये है आपका ब्लीडिंग वाल्व, राइट. इससे हम ब्रेक ब्लीडिंग करते हैं. इसके ऊपर 10 नंबर का नट लगा रहता है. जब भी कभी हमारा ब्रेक अनइवन प्रेशर लगता है या नहीं लगता है, तो ब्रेक ब्लीडिंग करते हैं, क्योंकि उसमें एयर बबल्स आ जाते हैं. तो क्विड में अच्छी बात यह है कि इसका जो वाल्व का जो कवर है उसके साथ में ही अटैच है. तो अभी आप देखेंगे ये बीच में जो आपको गोला सा दिखाई दे रहा है, ये है आपका ब्रेक पिस्टन. तो कभी भी कैलिपर खोलने से पहले इस पिस्टन को एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से अंदर की तरफ पुश कर दीजिए, सो दैट कि आपका कैलिपर जो है आसानी से निकल आए और बाद में आपको लगाने में इसको वापस परेशानी ना हो, राइट. तो इसको आप देख रहे हैं, मैं अभी पुश कर रहा हूँ. सेम इसी तरह आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको अंदर की तरफ पुश कर देना है, एक सफिशेंट, ताकि बीच में गैप बन जाए, राइट. अभी जैसे गैप बन गया है हमारा, तो उसके बाद में मैं इसको आपको खोलना बताऊँगा, इसको खोलने के लिए क्या करना पड़ता है, राइट.
इसको खोलने के लिए आपको दो 12 नंबर के जो नट है यहाँ पे, जिसमें पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये दोनों ढीले करने हैं। ढीले करके इसको खोल लेना है और ये आसानी से पूरा असेंबली बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों चलते चलते मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा डिस्क ब्रेक है वो सबसे पहले यूज़ किया गया था फरारी में 1951 में, F1 जो फार्मूला 1 रेस होता है, और जो ड्रम ब्रेक्स है हमारा वो इन्वेंट हुआ था सन 1900 में, इन द 1900 राइट। उससे पहले जो है लकड़ी के लट्ठे की मदद से ही जो ब्रेक मतलब टायर को रोका जाता था। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, आप काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत ही रोचक तथ्य हैं जो ब्रेक्स के बारे में। तो चलिए पहले हम इस असेंबली को खोलते हैं। आप देखेंगे नट मैंने निकाल लिया है ढीला करके, और ये दूसरा नट जो नीचे लगा है वो भी खोल के बाहर निकाल लिया है। ये दोनों जो नट हैं वो लगे रहते हैं आपके कैलिपर पिंस में राइट, उनको होल्ड करके रखते हैं। तो ये नट निकालने के बाद में जैसे ही आप ये कैलिपर असेंबली ऊपर उठाएंगे आराम से बाहर निकल जाएगी। ध्यान रखने की बात यह है इसको लूज़ ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, नहीं तो आपका जो ब्रेक लाइन है वो डैमेज हो सकता है राइट। उसके बाद में आप देखेंगे ये जो ब्रेक पैड हैं आसानी से आप बाहर खींचेंगे मतलब बाहर की तरफ तो निकल जाएंगे ठीक है। इसके पीछे जो प्लेट लगा है ये इसको होल्डिंग प्लेट होता है, और ब्रेक पैड को सफाई करने का मैं अभी बताता हूँ, इसको सफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए ना करना चाहिए और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो आप मेरे हाथ में देखेंगे मेरा हाथ काफ़ी गंदे हो चुके हैं, और मेरे टीचर ने सबसे पहले मुझे बताया था कि इंजीनियर वो नहीं होते हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, जिनके हाथ ऐसे होते हैं वही इंजीनियर होते हैं। अभी आप देखेंगे एक एमरी पेपर से मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी एमरी पेपर से रब करने का, पर इसमें ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात यह है कि एमरी पेपर राइट सैंड पेपर जिसको हम बोलते हैं, उसका रेजिड्यू आपके ब्रेक पैड के ऊपर छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो वो आपका डिस्क जो है ब्रेक डिस्क जिसको बोलते हैं उसके ऊपर में स्क्रैचेस ला देगा राइट, और आपका डिस्क ख़राब हो जाएगा और कम से कम 1200 से 1500 का नुकसान आपका समझ के चलो हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट जो हमारा क्लीनिंग का आता है वो है हमारा कैलिपर पिंस। आप ये जो देख रहे हैं इसको आराम से बाहर खींचिए और कैलिपर पिन आपका बाहर आ जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा ग्रीस लगाइए, अच्छे से ग्रीस लगा के इसको वापस फिट कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पे दो कैलिपर पिन होता है, ये ऊपर वाला हमने साफ़ करके लगा दिया है। सेम इसकी तरह ही एक नीचे भी कैलिपर पिन है, इसको भी निकालिए बाहर। निकालने के बाद में इसका थोड़ा सफाई करके इसको अच्छे से ग्रीसिंग करके आप रीफिट कर दीजिए। इसका ग्रीसिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसका फ्रिक्शन मूवमेंट रहता है, आगे पीछे मूव करता रहता है राइट। तो यहाँ तक हमारा कवर हो। चलते चलते मैं आपको दूसरे पार्ट्स की भी जानकारी दे देता हूँ। ये जो मुझे मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये है आपका 30 नंबर का नट जो एक्सल को होल्ड करके रखता है राइट। और ये जो ऊपर आप जो दो नट देख रहे हैं ये हैं 17 नंबर के, और ये आपके पूरी असेंबली को होल्ड करके रखे हैं राइट। इसके पीछे में आप देखेंगे ये आपका ड्राइव एक्सल है, एक्सल शाफ्ट जिसको बोलते हैं फ्रंट का, और ये इसी का मेन काम होता है, ये ही पूरा पावर ट्रांसमिट करता है आपके व्हील्स को। इसके पीछे में आप देखेंगे ये आपका टाइरोड है, टाइरोड आपका आता है स्टीयरिंग असेंबली से, ये ही आपके व्हील को लेफ्ट और राइट घुमाता है। इसके नीचे में इसकी बुशिंग लगी रहती है, ये कभी कभी ख़राब होने की वजह से आपके सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ जाता है। तो जब हमने अपना व्हील उतार ही रखा है तो हम साथ में ये भी चेक कर लेंगे कि कहीं हमारा शॉक ऑब्जर्वर लीक तो नहीं कर रहा है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपल तरीका है, ये जो रबड़ का पार्ट है इसको थोड़ा ऊपर उठाइए, देखिए यहाँ कोई ऑयल स्पिल तो नहीं है। अगर ऑयल स्पिल यहाँ पे तेल मतलब आपको दिखाई दे रहा है तब तो इसको रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो इसको वापस लगा के छोड़ दीजिए। तो अभी आप बात करते हैं डिस्क पैड्स के बारे में। अभी आप देखेंगे ये दोनों डिस्क पैड जो हैं इनमें अन ईवन वियर है, एक पतला है और एक मोटा है राइट। ये वाला देखेंगे जो बाहर वाली साइड वाला था वो थोड़ा मोटा है, और जो पिस्टन वाली साइड में था वो बहुत ही पतला हो चुका है। तो इसका क्या कारण होता है मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। आप ये देखेंगे बहुत ही पतला हो गया है राइट। तो ये अन ईवन वियर से क्या कोई प्रॉब्लम होता है और ये क्यों होता है तो ये आपको मैं अगली वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जब आपने ब्रेक असेंबली खोली रखा है तो आपको जहाँ जहाँ ये जंग दिखाई दे रहा है, एक ये वाला पार्ट और ये रोटर के ऊपर वाला पार्ट, इसको भी काइंडली साफ कर लीजिए। और यहाँ पे एमरी पेपर मारने की ज़रूरत नहीं है राइट, अगर ये सही है तो। फ्रेंड्स बताता चलूँ ब्रेक्स के रिलेटेड मेरे पास बहुत ही रोचक तथ्य हैं, जैसे कि ड्रम ब्रेक्स का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, उनको क्या ज़रूरत पड़ी, बाद में वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए, हमारी गाड़ी के पीछे वाले टायर में ड्रम ब्रेक्स क्यों होते हैं, आगे वाले टायर में डिस्क क्यों होते हैं, और उनका क्या ज़रूरत पड़ता है, उनका आविष्कार कैसे हुआ राइट।
तो अगर आप ये सब चीज़ें जानने के बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और मेरे चैनल को एक अच्छा रिस्पांस देने के लिए फ्रेंड्स, मैं बहुत ही आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वाला वीडियो है जो मैंने एक्सक्लूसिवली रेनो क्विड के एक्सीलेटर पेडल के ऊपर बारे में बताया था, उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।